A very good morning to my dear students of class 7. This is the second preparatory assignment. In this assignment, bachche, we cover the back exercise and the checkpoints of this chapter, okay? And my dear students, only first chapter is considered in this first terminal examination. In this assignment, we cover page number 19. Answer the following question. Write the name of the three states of matter, bache, solid, liquid and gaseous. Match the following. Abhi match karna aapne dekho. Arrangement of particle is a far apart. Wo dur dur hai. Kis mein hai? Chalo. Gases mein. Aapko bade achche se maine ye chapter explain kiya hua hai. Theek hai? So, jab main bolti hu, to khud hi apne man mein socho ki haan iska answer ye ho sakta hai. And then check it. Force of attraction between atom is very strong. Force of attraction kis mein dosti hai? Kis mein zyada achhi hoti hai? Solids mein. आंसर इज सॉलिड. मोशन ऑफ एटम इन एनी रैंडम डायरेक्शन. किसी भी मतलब दोस्ती है ही नहीं है, झगड़ा करते हैं सारा टाइम ये आपस में. कौन सी स्टेट है ऐसी? गैसियस स्टेट. द पार्टिकल डिफ्यूज वेरी इजिली. पार्टिकल जो है बहुत इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं. जैसे मैंने आपको दी थी ना, आपको बताया था कि परफ्यूम लगा ले तो कितनी जल्दी पता लग जाता है कि परफ्यूम लगा हुआ है. अगरबत्ती लगा दे तो कितनी जल्दी पता लग जाता है. पूरे रूम में फ्रेगनेंस आ जाती है, पूरे घर में फ्रेगनेंस चला जाती है. तो वो कौन सी स्टेट है? वो गैसियस स्टेट है. ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी इज मिनिमम. कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम. सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसमें होती है? सॉलिड्स में. सॉलिड से ज्यादा थोड़े कंप्रेसिबल. मीन स्लाइटली कंप्रेसिबल क्या है? लिक्विड. और बहुत सारे कंप्रेसिबल क्या है? गैसेस. नेक्स्ट. कंप्लीट द स्टेटमेंट. कंप्लीट करनी आपने स्टेटमेंट. सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप बट गैसेस डू नॉट. अरे ये बोल रहे हैं कि सॉलिड और लिक्विड्स में तो डेफिनेट शेप है लेकिन गैसेज में नहीं है. क्यों? क्योंकि बच्चे इन पे जो डिस्टेंस से आए, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर पड़े हैं. ठीक है. एंड जो स्पेस है इनकी वो बहुत ज़्यादा है. मीन्स द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लार्जर इन द गैशियस स्टेट. द स्पेस बिटवीन द एटम इन गैस इज मैक्सिमम व्हाइल इन सॉलिड इज मिनिमम. व्हाइल इन सॉलिड एंड लिक्विड इज मिनिमम. कन्वर्जेशन ऑफ वेपर्स. मीन्स अगर वेपर्स में चेंज हो जाए, वेपर्स चेंज इन टू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वो क्यों कंडेंसेशन है? क्योंकि बच्चे जब वो लिक्विड में आ जाते हैं, क्लियर, वैन इट्स चेंज इन टू द लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. दिस इज अ फिलअप. कंप्लीट द फॉलोइंग. यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड हैव अ डेफिनेट शेप बट गैसेस डू नॉट. द स्पेस बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम व्हाइल इन सॉलिड इज मिनिमम. तो मैं कहीं भी फिलअप डाल दूंगी बच्चे. एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लो, फिलअप कहीं भी आ सकती है आपको. मर्क्यूरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सब्सटेंस. कौन सा सब्सटेंस है? लिक्विड सब्सटेंस. द पार्टिकल इन वुड हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस. क्लियर. Why does a cooking gas cylinder feel lighter after it has been used for a few days? वो क्यों हल्का लगने लग जाता है? अभी मम्मा जी जिन लगाते हैं वो नया नया लगाते हैं आप अपना सिलेंडर, वो बहुत भारी होता है, हिलाए बड़े मुश्किल से हिलता है. चार हफ्ते बाद आप देखते हो, 4 to 5 days और 5, 6 to 7 days के बाद वो थोड़ा लाइट हो जाता है. रीज़न क्या है? अभी हर रोज़ खाना बनाते हो आप, हर रोज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप जैसे जैसे यूज़ कर रहे हो गैस खत्म हो रही है उसमें. वॉल्यूम क्या गैस का? डिक्रीज हो रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज इन द सिलेंडर, दिस इज द रीजन. ओके. व्हेन वी यूज द गैस फ्रॉम द सिलेंडर देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज डिक्रीज, सो वी फील द सिलेंडर लाइटर आफ्टर फ्यू डेज. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन सॉल्ट एंड सैंड? सॉल्ट एंड सैंड में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? बच्चे दोनों जो हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है. ठीक है. और दोनों जो है वो कंटेनर की जो शेप है वो ले लेते हैं. जिस बर्तन में आप दोनों को डालोगे वो उस बर्तन की शेप ले लेगा, उस कंटेनर की शेप ले लेगा. क्लासीफाई द फॉलोइंग. सॉलिड, अभी इन्होंने बोला कि आपको वहाँ पे आएगा क्लासीफाई द फॉलोइंग, आपने उसमें बताना है कि इसमें सॉलिड क्या क्या है. बच्चे आयरन, ग्रास, ब्रेड, टूथब्रश, मैं कुछ भी दे सकती हूँ यहाँ पे. आपने बताना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. अगर मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूँ, टेबल क्या है तो सॉलिड है, चेयर क्या है सॉलिड है, एसी क्या है सॉलिड है, बॉटल क्या है सॉलिड है, लिक्विड. अभी लिक्विड की एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको, मिल्क क्या है बताओ, मिल्क लिक्विड है, ऑयल लिक्विड, इंक लिक्विड, शुगर सिरप लिक्विड. ठीक है. कफ सिरप, वो जो आप पीते हो ना कफ की मेडिसिन लेते हो आप, वो सिरप बोला मैंने. अगर सिरप है तो लिक्विड है. गैसियस, गैसियस में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, एलपीजी गैस क्या है? वो गैसियस स्टेट है. गैस, ऑक्सीजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी आपके पास गैस आ सकती है यहाँ पे. अभी नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है,
नेक्स्ट है एक पजल डाल रखी है आपको, ये जिसे हम राइडल बोलते हैं। वो बोल रहे समटाइम आई एम हार्ड एंड चिल, कभी कभी तो मैं बहुत हार्ड सख्त होता हूँ, ठंडा होता हूँ। कभी कभी मैं ठीक है हिल से नीचे को बहता हूँ, और कभी मैं हवा में भी प्रेजेंट होता हूँ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ। वो कौन है जी? वो वाटर हैं। क्लियर? डिफाइन मेल्टिंग। अभी मेल्टिंग क्या है बच्चे? मेल्टिंग एक ऐसी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन टू द गैशियस स्टेट विदाउट एंटरिंग इन टू द लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में एंटर नहीं करता, ठीक है, वो सीधा गैशियस स्टेट में चला जाता है ऑन हीटिंग, जब हम उसे गर्म करते हैं। ऑन हीटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चे, हीटिंग करने पे। क्लियर? यहाँ पे। लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें घर पे, मम्मा नेफ्थलीन बोल, वो फिनाइल की गोलियाँ रखते हैं ना अलमारीज में, आपके कपड़ों में रख देते हैं, वो थोड़े दिन तो होती है, उसके बाद वो दिखती नहीं है, वो कहाँ पे चले गई? अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन है, वो क्या हो गया? नेफ्थलीन बोल जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो गई? गैशियस स्टेट में चेंज हो गई, ठीक है। तो आप कौन सी स्टेट है वो, कौन सा प्रोसेस है वो? सब्लिमेशन है वो। बजे दिस इज अवर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इन द एवी असाइनमेंट। वी डन दिस चैप्टर ऑलरेडी। आई एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वंस अगेन टू यू। बच्चे रीड लर्न द क्वेश्चन आंसर, रीड द बैक एक्सरसाइज, ओके। द पार्ट विच वी कवर इन दिस प्रेपरेटरी असाइनमेंट, द पेपर आर फ्रॉम दीज प्रेपरेटरी असाइनमेंट्स ओनली। बट बच्चे आई मॉडिफाई द क्वेश्चन, क्लियर? आई मे बी द आंसर आर इन 3 or 4 लाइन, आई जस्ट पुट अ सिंगल वर्ड आंसर, ओके। यू आंसर इन द वन वर्ड, आई जस्ट मॉडिफाई इट इन द माई लैंग्वेज, सो अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट, नो नीड टू क्रैम इट। थैंक यू सो मच।